चलाई शिक्षा के मंत्री इस मोटो नु लैके अज दा इह खेत मारो शुरू हो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सटी हलचल। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नंगल के सरकारी शिवालिक कॉलेज में 17वीं एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस पधारे थे, जिन्होंने रिबन काटकर इस एथलेटिक मीट का उद्घाटन किया। इससे पहले कॉलेज पहुंचने पर कॉलेज की प्रिंसिपल सीमा सैनी के नेतृत्व में कॉलेज स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस ने ध्वज फहराने और रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ खेल प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की और मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस खेल प्रतियोगिता में कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर रहे लगभग 1000 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं से भी मिलते देखेंगे, जिससे छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस को कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा सम्मानित भी किया गया। पहले देखें इस कार्यक्रम की झलकियां, फिर सुनाते हैं क्या कहा कॉलेज की प्रिंसिपल सीमा सैनी ने पत्रकारों से बात करते हैं और क्या कहा अपने संबोधन में पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस ने। इस मोटो नु लैके अज दा इह खेत मारो शुरू होण जा रिहा, जिहदे विच मार्च पास लई साडे कॉलेज दे होणहार विद्यार्थी दे पधारण आकांक्षा अंजली बीओ बीसी टू विद्यार्थियों दे फ्लैग लैके चल रहे ने। जसवीर सिंह बीए 3, मानिका सैन बीए 5, पहले अजय बीए 3 बैंड वाले विद्यार्थी ने निखर बीए 5, पलक बीए 2। पलक बीए 3 होनहार कॉलेज की विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया अपलीट आकांक्षा बीए 2। अब सुने क्या कहा कॉलेज की प्रिंसिपल सीमा सैनी ने। मेरा नाम सीमा सैनी है, मैं इत्थे शिवालिक सरकारी कॉलेज नया नंगल दी प्रिंसिपल दा अहुदा 2023 च संभाल लिया है। मेरे मैडम थोड़े कॉलेज एथलेटिक मीट चल रही है, की कहना चाहोगे? मेरे कॉलेज विच एथलेटिक मीट चल रही है, जेदे ते माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री हरजोत सिंह जी बैंस चीफ गेस्ट दे तौर ते आए हुए हैं। मैं उन्हां दा इत्थे आन ते निघा स्वागत करदी हाँ ते बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां ने अपने रुझेव्यां बारे दिनचर्या चों साडे कॉलेज वास्ते थोड़ा जिहा समां कढ़िया। मैं इस दसना चाहनी हाँ कि भी इह साडे कॉलेज दा 17वां खेत समारोह है और मेरे टेन्योर च दा इह दूजा खेत समारोह चल रहा है। साडे कॉलेज च लगभग 1300 विद्यार्थी हैं, जिहदा ज़्यादा गिनती कुड़ियां दी है और विद्यार्थी बहुत उत्साहित होकर इस खेड मेले च भाग लै रहे हैं। कम 15 तो ज़्यादा इवेंट्स हो रही हैं और आस करती हाँ कि भई अगे भी आने वाले समय च विद्यार्थी इस तरह ही अपने फिजिकल फिटनेस वल ज़्यादा ध्यान देन के, क्योंकि पढ़ाई दे नाल नाल मेंटल अते फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। मैडम कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? क्या कहा अपने संबोधन में पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस ने, जे भी सुने। ग्राउंड के लिए जब ऐसी चंदे था सारे बच्चे इतने रेड ट्रेनिंग करन तासी डबल ट्रैक जेड़ा है एथलेटिक ट्रैक या सिलिंड्रिकल ट्रैक है वो इतने दबाव के चार्ज में कर दे ले ताकि बच्चे ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਬਲ
स्टील वालों इस कॉलेज में 10 लाख रुपए का CSR अपने मन चो कॉलेज अपनी मर्जी मैं बेनती की सामने मेरा एक सामने इस कॉलेज के सामने एक पार्क है जी मीडिया सारा नंगल का पहुंचा मैं इन्हों का भी धन्यवाद करना मैं इन्होंने भी बेनती करूंगा कि तुम उस पार्क जाते जाते 2 मिनट जाके जाओ जे खड़ के जाओ घट्टो घट करोड़ 1.5 करोड़ रुपया काउंसिल ने उसके लाया हुआ तुम जाके देखियो की खंडर हालात उसे हर तरह के गलत कंसर पर अज 10 लाख रुपया कंसर दे रहे पार्क के लिए ते मैं वादा करता काउंसिल तो सिर्फ 20-25 लाख रुपया लगेगा तो ऐसा का पार्क बनूगा कि पूरे मौजूदा छड़ के आस पास के पिंड के लोग उसे सैर कर बच्चे उसे गेमां खेडन अज उसकी हालत इनी खस्ता है पैसा देखियो कि लगे एक भी ग्राउंड साडे बच्चों पूरे हल्के च अवेलेबल नहीं सी 5 ग्राउंड अज साडे हल्के च बन के तैयार है तो 50 का टारगेट है तुम जाके देखो मेन रोड से नंगली ग्राउंड है शाम को जाके ब्रेक मार लो बच्चे उठे हम फौज की वक्त गेमों की तैयारी करते हैं चंगर के इलाके चाहीवाल का ग्राउंड उसे हर वक्त बच्चे खेड रहे होंगे साडे नौजवान भज रहे होंगे वरना उन्होंने भजन लिखा नहीं ऐसे ही अदर स्कूल लोधीपुर के असी पहली एस्ट्रोटर्फ रोपड़ जिले के फर्स्ट हॉकी की एस्ट्रोटर्फ अदर स्कूल लोधीपुर चा चुके पैसे आ चुके हैं एक भी शूटिंग रेंज साड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी साड़े जिले च नहीं सी उदे शूटिंग रेंज के भी पैसे स्कूल के खाते च आ चुके हैं ऐसे ही 10 ग्राइंड के स्कूल का ग्राउंड मेन रोड से है उत्थे फुटबॉल ग्राउंड पिंड चंदवड़ी के लिए 3 लाख रुपया उसे स्कूल ताकि स्कूल तो बाद आस पास के पिंड के बच्चे आके ग्राउंड जैवलिंग थ्रो अज नीरज चोपड़ा ने पूरे देश का मान बताया जैवलिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका गोल्ड मैडल है ओलंपिक पर मैं सोचना कि साडे बच्चों के कोई कमी है वह क्यों नहीं गेम चाहते क्यों नहीं शूटिंग जैवलिन शॉर्ट पुट इन्होंने गेम चाहे चेक किया कि कितने भी होंगे ही नहीं कितने अवेलेबिलिटी नहीं तो मैं इस गल का बड़ा दुख लगता कि जो मैं स्कूल पैसे भेज रहे हैं कल भी मैंने एक स्कूल तो फोन आया जी सानू पैसे नहीं चाहिए क्यों कहते जिते बच्चे खेडते नहीं जी मैं क्या अगर भेजा ताही तो खेड लगन गए अगर जैवलिन कोई फड़ूगा की पता कोई चिंदवड़ी का बच्चा अज तो 5-10 साल बाद वर्ल्ड मैडल लेके आवे सारा नाम रोशन करे अगर कोई सहूलत देवे जी अज तो देवे तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर असं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिल्कुल नवे लैवल का कबड्डी मैच भी एक्सेल कर सकते ऐसे ही नंगल का जो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जिन्हों आप पहला लड़किया वाला स्कूल कहते हैं उसका प्रपोजल है इनडोर स्विमिंग पूल में इनडोर स्विमिंग पूल इस वक्त कितने भी है नहीं तो मैं दस दिए बड़ी खुशी हो रही है अगले कुछ ही दिनों के मैं थानू ये सिक्ख्या महकमे की साड़ी मेहनत है अगले कुछ दिनों के साड़े माननीय मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पंजाब दे विच 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस जो बन के तैयार हो चुके ने उसका उद्घाटन करेंगे इन्ने शानदार स्कूल है इस बारे असी तस्वीर पहला जिन्हें खंडर वर्ग के हालात से ते बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर भी जारी करांगे ते उहदे विचों एक स्कूल दे विच असी स्विमिंग पूल बनाया उस स्विमिंग पूल दे विच ओ पंजाब दा पहला स्विमिंग पूल है जिथे जंपिंग पैड भी है वरना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले स्कूलों जिहड़े स्विमिंग पूल होना चाहिए नहीं इट इज द फर्स्ट स्विमिंग पूल जो इंटरनेशनल लैवल का जंपिंग पैड है सरकारी स्कूल के उदा का फर्नीचर उदा की लैब्स उदा की लाइब्रेरी उदा के कंप्यूटर लैब्स किसी प्राइवेट स्कूल च नहीं 13 के 13 स्कूल है मेरी आप सब नूं भी बेनती है मीडिया के राही भी बेनती है 15 मार्च तक साडा एग्जाम फॉर्म खुला 9वीं ते 11वीं के लिए तो स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चों को बेस्ट सहूलत मिलनगियां एक्सपोजर विजिट्स है एक्स्ट्रा कोचिंग है यूनिफॉर्म है वेल डिजाइंड वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म है इस तो अलावा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 1000 रुपया महीने का ट्रांसपोर्ट का मिलता ताकि आस पास के पिंड के बच्चे आ सकें यह सुविधावान कितने बेस्ट इस तो बाद सरकारी टीचर तो अलावा भी आउटसाइडर कोचिंग वाले जो बेस्ट देश के बेस्ट ब्रेन्स ने उन्होंने बच्चों को ट्यूटर करते हैं अगर कोई बच्चा एनडीए जाना चाहता कोई यूपीएससी जाना चाहता है तो असं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने मेंटर्स के नाल
आर्मी के कर्नल्स के नाल आर्मी के जनरल्स के नाल ऐसे यूपीएससी के विच आईएएस ऑफिसर्स के नाल आईपीएस ऑफिसर्स के नाल वन टू वन गल करें। किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कभी कोई आज तक मेरे को बहुत सिफारिशा आदि माउंट कारमल दिया होली फैमिली इतने ने अज तक इन्होंने कभी भी किसी बच्चे को कोई वो दिखाने लैके गए होंगे सैटल लाइट रॉक्स ने। पर साडे स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चे पिंड ठरोगी की बच्ची होर आस पास के पिंड के बच्चे मेरे नाल गए थे चेन्नई के सैटेलाइट लॉन्च देख यह मौका कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं दिता। सो यह सुविधावान सरकारी स्कूलों हाँ हजे भी कमियां हो लगातार काम चल रहा लगातार टेंडर लग रहा लगातार असं पैसा भेज रहे हैं ताकि सारे जोड़े स्कूल है ये ठीक हो सकन इन्होंने बेस्ट टू बेस्ट असी लोग जेड़े अपने बच्चों खुशी न मजबूरी से नहीं खुशी सरकारी स्कूल तक भेज सकन यही सा सुपना। मैं एक बार दोबारा सारे ही स्टाफ न शिवालिक कॉलेज सारे ही प्रोफेसर सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हर एक साथी सपोर्ट स्टाफ न खास करके प्रिंसीपल साहब न इन्हों मुबारकबाद दिना बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी दसूंगा अक्सर इन्हों फोन करता रहना बहुत सारे बच्चिया जो फीस नहीं दे सकियां उन्होंने असी बिल्कुल मुफ्त सिक्ख्या इस कॉलेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं खुद भी जो पिंड सोचा उदो मैं दसते हैं जी ये बच्ची कोई मिलती है जरा कहते जी बहुत गरीबी है जी बारहवीं तो बाद हट गए। मैं थानू भी बेनती करता अगर कोई भी इदा की बच्ची या कोई भी साडा इदा का बच्चा थानू मिलता है उसनों इस कॉलेज भेजो चाहे असं जितों मर्जी लैके असी उसकी फीस जी है वह असी देवे पर बच्चों पढ़ाईए जिन्ना वक्त तो वक्त पढ़ावे उन्ना उन्हों का जोड़ा भविख है उज्जवल हो सकता। एक बार दोबारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सारे मीडिया के साथियों का तो मेरे वालों शुभकामनावान हर एक उस खिलाड़ी में जो इन्होंने खेलों के लिए भाग लूंगा बहुत बहुत मुबारक। सारी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही मुझे दे इजाजत धन्यवाद। सैनी इलेक्ट्रॉनिक नंगल श्री अनंतपुर साहेब मुख्य मार्ग गांव ब्रह्मपुर यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज एलसीडी वॉशिंग मशीन मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप बेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है जल्द पहुँचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक गाँव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल यहां आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा नेल आर्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433 दूसरा 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहां आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर जन्नत रेस्टोरेंट नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग एक बार सेवा का मौका जरूर दें।